यहाँ पे हम रुके हुए हैं, यहाँ पे पड़ चुकी है बारिश, बहुत ही तेज तूफान है। यहाँ पर थोड़ा सा मौसम पूरा माहौल ऐसा बना हुआ है, इनकी गाड़ी गाइस यहाँ पे बस काफ़ी अच्छी व्यू आ रही है यहाँ पे। तो गाइस यहाँ पे हम आ चुके हैं अपनी बाइक के पास, यहाँ से बाइक और हेलमेट निकाल के चलते हैं। हेलमेट ये रहा, मैं उसमें हेलमेट में कैमरा सेट करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस यहाँ पे हमने सेट कर दिया है माइक, सब माइक सेट करने के बाद अब हम यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कि कहाँ पे क्या होता है। अभी बाइक निकल, यहाँ पर हम निकल गए हैं, अब यहाँ से घर पहुँचने के बाद आपको दिखाते हैं। भुट्टा खाती हुई आ रही है, सयारा की व्यू। तो गाइस यहाँ से निकलने के बाद फिर आपको हम दिखाते हैं कि कहाँ पहुँचते हैं घर। वैसे हम पहुँच ही जाएंगे ठीक टाइम पे। एक बार नाना क्यों। तो गाइस यहाँ पे जाम लगा हुआ है, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। कहाँ को लेना है? तो गाइस बस हम यहाँ से अब निकल रहे थे, तो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो गया। मना कर दिया, तो यहाँ से निकलने के बाद अब आपको दिखाएंगे कि कैसे हम घर पहुँचते हैं। थोड़ा सा व्यू एक्चुअली क्या है, रात हो जाएगी तो मैं रात में भी पहाड़ का रास्ता है, तो मैं बिल्कुल ठीक ठीक चला के यहाँ से जाऊँगा, तो ज़्यादा मैं वो कुछ करके नहीं आऊँगा। तो एक लड़की हमको देख रही थी, तो देखते हैं क्या होता है। अभी बस राविश पीछे मैप लगा के बैठा हुआ है, अब यहाँ से एक बार सही से निकल जाए। कहाँ को लेना राविश? हाँ, तो गाइस यहाँ से हम एक बार निकल जाए ठीक से, तो फिर आपको मिलते हैं। इनकी गाड़ी गाइस यहाँ पे फंस चुकी है पूरी गाड़ी, अब देखते हैं क्या होता है। गियर में तो गाइस यहाँ पे हम रुके हुए हैं, देख सकते हैं आप व्यू यहाँ का कितना शानदार व्यू आ रहा है। यहाँ पे बाइकें खड़ी हैं अपनी दोनों, आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है यहाँ पर जी। यहाँ पे राजीव बोला है उन्होंने नैनीताल में फोटो खिंचवाओ, मगर उतरे जा रहे हैं आधी, तो आधी तो उतरे जा रहा है। तो ऐसा आधी आगे पहुँच गया, रुका खड़ा होगा कहीं, इस राविश को हर जगह व्यू, हर जहाँ व्यू दिख जाए वहाँ फोटो चाहिए। अब देखते हैं आधी कहाँ पहुँच गया होगा। ये रहा हादी में मिल गया, राविश के फोटो के चक्कर में हम पीछे रह जा रहे हैं, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सही चल रही है बाइक पर, आते हुए थोड़ा सा राविश वो हो गया था, मैं चला रहा था बाइक, मुझे पीछे बिठा दिया, राविश से लड़ पड़ा आते हुए, कह रहा था मैं लुटा के चला रहा हूँ, लुटा के चला रहा हूँ। और बात भी सही है क्योंकि ये यहाँ पे पहाड़ है, यहाँ पे लिटाना सही भी नहीं है।
आप बस वीडियो का मजा लीजिएगा, मैं चलिए फिर आगे बोलता हूँ। काफ़ी शानदार व्यू, आप पहाड़ देख सकते हैं, पहाड़ 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 पहाड़, पूरा ब्लॉग नैनीताल का शूट कर लिया। हाथ ही मस्त, अपना मस्त 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 कर लिया, आराम से पहुँचा दिया मेरा मालिक। इंशाल्लाह 8 बजे तक घर पहुँच जाएंगे, उसके बाद हादी क्या हो गया। तो गाइस यहाँ पे हम रुके हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर अब 100 किलोमीटर यहाँ से रह गया है घर हमारा, तो अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं अपना। स्टार्ट कर दिया अभी, काफ़ी बहुत ज़्यादा चुका है यहाँ पे। अभी हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पे निकलने के बाद थोड़ा सा हम रेस्ट करेंगे। राविश को थोड़ा सा पेशाब आ रहा है, पानी की बोतल है, उसको पानी की बोतल पीनी है। यू वाली तो अभी यहाँ पे रुके हैं, राविश को पानी की बोतल पीनी थी। बड़ी ये वाली ले लें तो एंड्रॉइड का स्टोरेज भर गया। अब आपको ये जो मिलेगा वो 2-5 मिलेगा। यहाँ पे हम रुके हैं, हाथी के लिए आने वाला हुआ, बहुत ज़्यादा तेज तूफान आ गया। राजू भाई कैसा तूफान लगा, राजू भाई ने भी हेलमेट लगा लिया, कैसा तूफान था बताओ राजू भाई। बहुत ही तेज तूफान है जिसे कहते हैं, बहुत ही बहुत शानदार तगड़ा तूफान आ गया यहाँ पर। तो मैंने अपना हेलमेट दे दिया और हाथी भी वो आया, देखो आता हुआ भाई। यहाँ पे हम हाथी का फिर से वेट कर रहे हैं, पूरा रॉन्ग हो गया जो व्लॉग था हमारा, असल में रास्ते में बारिश पड़ गई। अब गाइस यहाँ पर आमिर भाई और अफसार भाई यहाँ पर खड़े हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, मैं जा रहा था अभी कदम तक 4 मिनट किया हो तो भाई यहाँ पे आते आते ठंड पड़ गई है और यहाँ पर रात हो रही है। हम यहाँ पे नींदड़ में रुके हैं, आदि का वेट कर रहे हैं, आदि पेट्रोल डलवा रहा है, तो अब थोड़ी देर में यहाँ से निकलेंगे। अब यहाँ से सीधा घर पे ही मिलते हैं, असल में मौसम ख़राब हो गया था तो इस वजह से, तो हादी आने वाला है, बस थोड़ी देर में घर पे मिलते हैं। हम दोनों की हालत भी देख सकते हो आप कैसी हो रही है इस टाइम।
अब यहाँ से जाने के बाद मैंने कहा था घर पे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश पड़ गई, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देखते हैं घर पहुँचने के बाद आपको क्या दिखाते हैं, पूरा मौसम ख़राब है, आंधी आ गई, तूफान आ गया, तूफान।